पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह कांग्रेस को उनका वादा याद दिलाने के लिए है। पूर्ण शराबबंदी के लिए लॉकडाउन से अच्छा समय नहीं हो सकता था। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस वक्त हम पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और धरने के लिए जो तमाम जो बिंदु थे, जो तमाम मुद्दे थे, उसे लेकर कर बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और हस्तक्षेप की मांग की थी। ब्रजमोहन जी, जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है, लगता है कि सड़क की लड़ाई लंबे समय तक बीजेपी लड़ पाएगी? निश्चित रूप से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कांग्रेस को अपने वादों को याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे और ये लॉकडाउन का समय जब 45 दिन तक शराब दुकानें बंद रही, इससे अच्छा समय कोई दूसरा नहीं हो सकता था। परंतु कांग्रेस ने शराबबंदी करने के बजाय शराब से पैसे कमाने का काम सरकार कर रही है और लोगों को होम डिलीवरी का काम कर रही है और इसके कारण लोग जब आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं तब जो शराब पीने वाले लोग हैं, आदतन लोग हैं, उनके घर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करिए, घर घर में कलह हो रहा है। तो इसलिए कांग्रेस को हम याद दिलाने के लिए, जनता को याद दिलाने के लिए कि कांग्रेस अपने वादे से मुकर रही है और पूर्ण शराबबंदी की बात की थी और पूर्ण शराबबंदी की जाए, इसकी हम मांग कर रहे हैं। हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब पूरा देश और पूरे देश के गरीब और मजदूर परेशान हैं तब उनको राहत पहुंचानी चाहिए, तो ये सरकार राहत पहुंचाने के बजाय उन मजदूरों को परेशान कर रही है, उन मजदूरों के खाते में पैसे नहीं डाल रही है, उन मजदूरों को छत्तीसगढ़ वापस अपने घर आने का परमिशन नहीं दे रही है और साथ में बार बार मुख्यमंत्री जी केंद्र को पत्र लिखते हैं कि हमको पैसा दे, पैसा दे। अरे जो आपके पास ये पैसा है उसको आपने कोरोना में की लड़ाई में कितना खर्च किया, जरा इसको सार्वजनिक करें। 800 करोड़ रुपए तो सिर्फ आपके पास में DMF का फंड है, आपके पास में आपदा राहत प्रबंधन का फंड है, आपके पास में मुख्यमंत्री राहत कोष का फंड है, उसमें से आप पहले खर्च तो करें। और अगर आप बार बार सिर्फ केंद्र के ऊपर में आरोप लगाते रहे तो ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे लगता है कि सरकार अपने आप में असक्षम साबित हो रही है। किन विषयों को लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? उन्हीं विषयों में एक और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ भी सवाल था जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल भी उठाया कि मौजूदा फंड का इस्तेमाल सरकार को करना चाहिए कोरोना प्रबंधन के लिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आज ही सरकार ने एक आदेश जारी किया है और ये कहा है कि विभागों को जो अलॉटेड बजट है उसका केवल 70% हिस्सा ही खर्च करने की अनुमति दी जाएगी। इसे किस तरीके से देखिए, ये तो सरकार का अपनी एक व्यवस्था है, परंतु सरकार को जो आवश्यक चीजें हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़े हैं, लोगों की रोजी रोटी से जुड़े हैं, ऐसी चीजों को प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। अब ये बड़ी दुर्भाग्यजनक की सरकार कैसे चल रही है कि रायपुर के आदमी को बिलासपुर जाना है, उसका परमिशन वो मांग रहा है तो उसको परमिशन नहीं मिल रहा है। अंबिकापुर के आदमी को रायपुर आना है तो उसका परमिशन नहीं मिल रहा है। जो हमारे राज्य में से लोग दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग अपने राज्य में जाना चाहते हैं उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। दूसरे राज्यों से परमिशन लेकर आ रहे हैं तो उनको आने का परमिशन नहीं मिल रहा है। तो पूरी तरह व्यवस्था चरमराई हुई है और इसके सरकार के जमीर को जागृत करने के लिए हम बैठे हैं। और ये सरकार ऐसा लगता है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बार बार पत्र लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो पूरी तरह दिवालिया कर दिया है इस सरकार ने। ये थे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम मुद्दों को लेकर आज एक दिन का धरना दिया है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग इलाकों पर, अलग अलग अपने स्थानों पर, अपने बंगलों पर, अपने घरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुनियादी मांगों के बीच सरकार से ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में आई है आखिर उसे पूरा कब करेगी। हालांकि ये तमाम जो मुद्दे हैं बीजेपी का अपना सियासी मुद्दा है, इस पर सरकार का जवाब किस तरीके से आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।